जोश और उमंग के साथ में उपेंद्र जी के साथ हूँ, साथ ही अफरोज आलम जी के, इन्होंने हमारे ये उपेंद्र कुमार जी उनके पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव उनके साथ में। हमें अफरोज आलम जी का एक ही बात अच्छा लगता है, जो कोई भी हमारे गरीब हमारे इस पूरे बड़ियार गांव में है, इस टाइम कोई भी अगर एक्सपायर हो जा रहा है, गरीब बच्चों की शादी ब्याह हो रही है, उसमें लोगों की जो मतलब आर्थिक व्यवस्था जिसकी कमज़ोर है उसके उनको देने के लिए, जो उनका शादी ब्याह में जल मीटर खर्चा, कोई मर जा रहा है अगर रात भर मट्टी रोकने का किसी का इंतज़ार करने के लिए, तो रात भर वो अपना जल मीटर देते हैं, लाइट देते हैं, यानी कि पूरे अपने जोश जितना उनको देना बनता है पूरा एकदम अपना साथ देते हैं। माहौल है, कैसी माहौल है? माहौल तो अफरोज आलम का बहुत बढ़िया है, साथ ही मेरे भाई उपेंद्र कुमार जी वार्ड नंबर 1 से सभासद पद के लिए प्रत्याशी हैं, हम उनका भी साथ में संघर्ष कर रहे हैं और जीरो जान से लगे हैं, अफरोज जी के साथ में हैं, उनको ही जिताना है। और अफरोज जी को ही क्यों जिताना है, और भी तो प्रत्याशी हैं? अफरोज जी को इसलिए जिताना है कि हमारे गांव में जहां जहां भी लाइटें नहीं थी, आज के ही दौर में, आज कल परसों चाहे 6 महीना से भी पहले से भी जहां भी लाइट गड़बड़ थी उसने तार हर जगह लाइट लगवाए हैं, तार भी लगवाए हैं, और जहां पटिया नहीं था हम लोगों के गांव में आकर पटिया भी लगवाए हैं। माहौल तो चल रहा है हमारा इस समय छड़ी की तरफ। किसका है इस बारी हवा? हवा तो चेयरमैनी में अफरोज आलम जी जो हैं, छड़ी से विकलांग हैं, लेकिन उनकी जज्बा बहुत अधिक है उनके अंदर। वो आधी रात को भी कहीं कोई तार टूट जाता है, किसी के घर कोई बीमार, अभी हाल ही में ब्लड की ज़रूरत थी बहुत, मतलब आधी रात को बेचारे परेशान हो गए, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे, ब्लड की सुविधा करवाने के चक्कर में पड़ गए थे, कहीं पर कोई लाइट वाइट, इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से हम 2-3 साल पहले से ही देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई तार वार टूट जाता था उनको सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत रहती थी, और वो मतलब तार सही करवाने के लिए खुद अपने व्हील चेयर पर सीढ़ी लेकर अकेले आ जाते थे। तो उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इसलिए हम लोगों को उनकी तरफ हम आकर्षित हो गए हैं। और उनका एक और सुविधा है कि ब्लड के लिए भी वो हमेशा कोई बीमार रहता है उसके लिए तुरंत उनके तरफ से जो शक्ति होता है, सहयोग होता है, पैसे वैसे एम्बुलेंस सुविधा करवाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, और उनका जज्बा सही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जनता के बीच में एक आम आदमी की तरह से कभी भी हाजिर हो जाते हैं, ये चीज़ उनका बहुत चुनाव आया तभी ऐसा नहीं है। मैं पिछले 3-4 सालों से बात कर रहा हूँ, जो चुनाव में उतरे हैं बरसाती मेंढक की तरह, वो तो 2-3 महीने से ये काम कर रहे हैं, जब बुलाने पे आ जा रहे हैं, लेकिन इनको हम 2-3 सालों से देख रहे हैं। 4 प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हुए जी जी, अभी देखा जाए सपा भी जी, निर्दल से भी लोग हैं, बीजेपी के हैं, ऐसे स्थिति में कैसे जो है आप लोग वोट को सहेज रहे हैं? ऐसे वो सहेजने का मतलब ये है कि जनता जो है कि देख रही है कि कौन है ये, मतलब जो कौन कार्यरत है, कुछ लोग सत्ता में रहते हुए भी कार्यरत नहीं थे, ये बगैर सत्ता के ही इतना सेवा कर रहे हैं, इतना लगे पड़े हैं, और आम जनता के बीच में लगातार उठना बैठना हो रहा है, कभी भी आ जाए, किसी की शादी ब्याह में अकेले आ जाते हैं, किसी की मैयत हो जाती है तो आ जाते हैं तुरंत, किसी का कोई सहारा नहीं, खुद आकर स्वयं आ जाते हैं, चुनावी माहौल में नहीं, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब वजह से हमको लग रहा है कि हमको क्या, पूरा गांव की हमारी जो जनता है, मतलब वार्ड नंबर 1 से भी और पूरे मार्केट में भी माहौल देख रहा हूँ, ज़्यादा से जहाँ भी मैं जा रहा हूँ चर्चा सिर्फ इन्हीं का हो रहा है, सबको ये लग रहा है कि ये विकलांग होते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने वार्ड नंबर 1 से। नमस्कार, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? पुराने कोपा, ठीक है, दक्षिणी वार्ड नंबर 1 से हैं। किस लिए आप लोग घूम रहे हैं? सभासद के प्रत्याशी हमारे उपेंद्र भाई हैं, उनके चुनाव में सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल एकदम बिल्कुल बढ़िया है, इस पे वोट इस बार जाएगा, हमारा जाएगा छड़ी पे, छड़ी पे। अभी देखा जाए कि सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, सारे लोग दावा पे दावे करते जा रहे हैं, इसको इंटरलॉकिंग चाहे पीच रोड चाहिए, मेन रोड ये है बापू इंटर कॉलेज में जाके मिलता है, इसके लिए सुविधा चाहिए। किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं है। सबसे पहले सभी साथियों को और आपको प्रणाम करता हूं, और मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, मेरी पत्नी जी ललिता चुनाव में है, और मैं और मेरे सभी नौजवान साथी
आप बड़े बुजुर्ग लोग और पूरे वार्ड के लोग मेरे साथ हैं। कैसा माहौल चल रहा है? जी माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, माहौल काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी अफरोज आलम जी के विकास के कार्य को देख करके लोग मुझे भी लाइक कर रहे हैं और उनकी पार्टी से आने से उनके विकास के नाम पर मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो क्या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर जैसे लाइट खराब हो गई, लाइट बनवाना, तार जर्जर है बदलवाना, नाली खुली हुई है पटिया लगाना, स्वास्थ्य से संबंधित अभी आपातकाल में किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता हो सर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं, ब्लड उपलब्ध कराते हैं, या मजबूर हमारी माँ बहनों की कोई ऐसा आवश्यकता है जैसे शादी हो गई किसी बहन की तो आर्थिक सहायता जो भी होता है, कोई बीमार है उनकी आर्थिक सहायता, इन सब कार्यों से काफ़ी लोग प्रभावित हैं और हमारे साथ काफ़ी मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं। इससे पहले तो बहुत से लोग वादा किए और बहुत से लोग एम्बुलेंस भी व्यवस्था और भी किए थे सर, तो क्या आप लोगों की सुविधा नहीं मिल पाती था? सर इससे पहले अपने गांव में किसी प्रत्याशी का एम्बुलेंस मैंने नहीं देखा, मेरे गांव में एक महिला बीमार थी, सबसे पहले मैं किसी प्रत्याशी का एम्बुलेंस देखा तो अफरोज आलम जी का एम्बुलेंस मेरे गांव में आया था जो लेकर अभी देखा जाए कि अगर अफरोज आलम जी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव मान लीजिए जीत जा रहे हैं तो क्या जनता के प्रति खरा उतरेंगे? जी देखिए अभी चुनाव जीते नहीं हैं तो अपने दम पे मान लीजिए जीत जा रहे हैं तो जनता की सेवा कर रहे हैं, अभी जीते नहीं हैं तो जब जीत जाते हैं तो पूरी ताकत मिल जाएगी उनको, पावर मिल जाएगा और बढ़िया तो उससे 100 गुना ज़्यादा वो विकास करेंगे। और हम लोग यदि मेंबर बन जाते हैं तो हम लोग तो पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, हम लोग उनके साथ जाकर मजबूती से अपने वार्ड का और पूरे टाउन एरिया का विकास कराने की अपील करेंगे और वो 100% खरा उतरेंगे विकास करने के लिए। नगरवासियों को यही संदेश दूंगा और यही अपील करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि आप अपने छोटे भाई अपने अनुज को और अपने बेटे जैसे उपेंद्र कुमार को छड़ी के निशान पर बटन दबा करके एक बार विजयी बनाओ और सेवा का अवसर दें।